चारू अशोक और राजीव सेन के डायवोर्स के बीच में आया सेलिब्रेशन टाइम। आखिरकार इस सेलिब्रेशन में क्यों इमोशनल होते नजर आई हैं चारू अशोक, क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरी खबर, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको बता दूं कि सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन और चारू अशोक के बीच में उनकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। जहां कुछ ही दिनों पहले खबरें सामने आई थी कि चारू अशोक और राजीव सेन ने दोनों ही ने ही एक दूसरे के ऊपर घिनौने इल्ज़ाम भी लगाए हैं। इस बीच दोनों ने ही सोशल मीडिया के थ्रू ये रिवील भी कर दिया है कि दोनों एक दूसरे से होने वाले हैं अलग, और उनकी बेटी का ख्याल कहीं ना कहीं राजीव सेन जो है वो रखना चाहते हैं। इस चारू अशोक अपनी बेटी को नहीं देना चाहती है राजीव को, वो अपनी बेटी को खुद पाल पोस कर बड़ा करना चाहती है और इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है। इस बीच देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार इनके डायवोर्स में क्या कुछ दिलचस्प मोड़ आते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि चारू अशोक की बेटी हो चुकी है 8 महीने की, और चारू अशोक ने अपनी बेटी जियाना का 8 मंथ बर्थडे सेलिब्रेट किया है अपने पाप्स के हाउस में, यानी कि अपने पापा के हाउस में। वहाँ उनके भैया भाभी, उनके मम्मी पापा, जियाना बेबी के नाना नानी उन पर बेहद ही ज़्यादा प्यार लुटाते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में बेहद ही ज़्यादा इमोशनल होते नज़र आई हैं। वेल, ऐसे में बेहद ही ज़्यादा इमोशनल होते नज़र आई हैं चारू अशोक, और चारू अशोक ने अपने स्ट्रगलिंग डेज को लेकर भी अपने फैन से काफ़ी कुछ जाहिर किया है। वेल, आखिरकार चारू अशोक और राजीव सेन के डायवोर्स को लेकर आपके क्या कुछ रिएक्शन हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।